हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी निंजा। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक 8। दिस विल कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर 22 टू 23। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको मजा आएगा। और ये करंट अफेयर्स करने का एक निंजा स्टाइल है। फर्स्ट टॉपिक इज क्यूएस इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो ये सेकेंड एडिशन हुआ था इस टाइम, एंड इट रैंक्स पब्लिक, प्राइवेट, हायर एजुकेशन और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो बेसिकली सभी तरह की यूनिवर्सिटीज को ही रैंक करता है। एंड ऑन व्हाट बेसिस इट रैंक्स देम? फर्स्ट इज एकेडमिक रेपुटेशन, उसका वेटेज है 30%। देन एम्प्लॉयर रेपुटेशन 20%, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20%, और बहुत सारे क्राइटेरिया है लेकिन उनका वेटेज कम है तो हम नहीं देखेंगे। और इसमें फर्स्ट कौन आया है? IIT बॉम्बे, देन IISc, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नॉर्मली UPSC ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। टेक सागर, इट इज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंडिया साइबर टेक कैपेबिलिटीज। मतलब बेसिकली एक पोर्टल होगा जहाँ पे हमारे सभी साइबर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, वो सब एक ही जगह पे आ जाएंगे। एंड ये कौन कर रहा है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस प्लस डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज DSCI। तो DSCI यहाँ पे हम देख सकते हैं कर रहा है। और ये क्या करता है? इट लिस्ट द बिजनेस एंड रिसर्च एंटिटीज डीलिंग विद दीज कैपेबिलिटीज। ठीक है, और इस पूरी इनिशिएटिव से होगा क्या कि एक ही जगह पे साइबर टेक्नोलॉजी आ गया है और जो भी साइबर टेक्नोलॉजी के डोमेन में इम्प्रूव करना चाहता है, दे कैन कनेक्ट, इनोवेट एंड कोलैबोरेट। तो इससे क्या होगा? साइबर थ्रेट प्रिवेंशन। हम DSCI के बारे में और जानते हैं। इट इज बेसिकली नास्कॉम का बेटा, बेटा मतलब इसने ही बनाया है। नास्कॉम क्या है हमें पता है, इट इज अ ट्रेड एसोसिएशन फॉर IT इंडस्ट्री। उसका एम क्या है? मेकिंग साइबर स्पेस सेफर, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फीड ऑफ फ्यूचर सिनेमा एंड कैंपेन। तो ये कौन कर रहा है? ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्लस UFO मूवीज प्लस सावा। तो बेसिकली ये दोनों मूवीज रिलेटेड है। इट एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो सिनेमा हॉल में हम देखते हैं कैसे मुकेश का एड आता है, वैसे ही इनका भी एड आएगा हंगर एंड माल न्यूट्रिशन रिलेटेड। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दैट इज UNWFP। तो फूड रिलेटेड जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको हम करेक्ट मान लेंगे कि फूड के लिए ये करो, फूड के लिए वो करो। इट इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द UN। और इसका फंडिंग कैसे होता है? बाय वॉलेंट्री डोनेशंस। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलता इसको। एंड इट ऑल्सो एम्स फॉर कॉम्बैटिंग डिजीजेस। ठीक है, अगर UNWFP पे क्वेश्चन आया तो हमें लगेगा कि सिर्फ फूड रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं, इट ऑल्सो एम्स फॉर कॉम्बैटिंग डिजीजेस लाइक HIV एंड AIDS। और इसका मेजर गोल क्या है? जीरो हंगर इन 2030। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये कौन से SDG गोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, होम वर्ल्ड बाउंड। तो ये क्या है? बेसिकली इट इज द साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। और ये कौन कर रहा है? वुमेन इन साइंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं सब लेडीज है। तो ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। और ये एक 1 ईयर का प्रोग्राम होगा। और इसमें कौन से वुमेन इंक्लूडेड है? वुमेन इन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिकल। रिसेंटली प्रियंका दास राजा का कति हैज बीन सिलेक्टेड, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके हस्बैंड्स उनसे भी ज्यादा खुश है। नेक्स्ट, भीम 2.0। भीम हमें पता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो उसका सेकेंड वर्जन लॉन्च हुआ है। भीम बेसिकली क्या है? इट इज अ UPI, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और किसने बनाया है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 2.0 में क्या क्या एडिशन हुआ है? तो ये अब डोनेशन गेटवे जैसा यूज हो सकता है। और भी एडिशन है, हम सिर्फ एक ग्लास देंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आया तो हमें ऑप्शन देके क्लिक हो जाएगा कि हाँ हमने एक बार एक पढ़ा है। दीज एडिशन आर ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग इन IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, गिफ्टिंग मनी, देन इंक्रीज हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, देन लिंकिंग मल्टीपल बैंक अकाउंट, देन ऑफर्स फ्रॉम मर्चेंट्स। ठीक है, इसके एडिशन में इट सपोर्ट्स 3 एडिशनल लैंग्वेजेस, दैट इज कोंकणी, भोजपुरी, हरियाणवी। पहले से ही 13 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता था और 3 ऐड हो गए हैं, तो टोटल हो गए 16। ठीक है, नेक्स्ट, NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट्स। तो ये किसने बनाया था? RBI प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, दैट इज 10 कोर बैंक्स। और किसके अंडर बनाया था? अंडर पेमेंट सेटलमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट 2007। करंटली 56 बैंक्स आर स्टेक होल्डर्स और वो हर तरह के बैंक्स है। एंड इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी।
यहाँ पे मैंने एनपीसीआई के कर्तृत्व लिस्ट किए हैं, सिर्फ एक ग्लास दे देंगे। फर्स्ट इज रुपए, नेक्स्ट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तो एक ही कार्ड से मेट्रो, बस, एटीएम, शॉपिंग यूज हो सकता है। देन भारत बिल पेमेंट सिस्टम, दैट इज एनी टाइम एनीवेयर बिल पे कर सकते हैं। देन IMPS, देन *99 #USSD, मतलब बिना इंटरनेट के भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। देन नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, दैट इज नाच। देन नेशनल फाइनेंशियल स्विच, दैट इज इट लुक्स आफ्टर एटीएम नेटवर्क, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा भी था। एंड देन फास्टैग, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझेगा कि दीज ऑल इनिशिएटिव्स हैव वन कॉमन पॉइंट इन देम, दैट इज रिटेल पेमेंट्स। तो रिटेल पेमेंट से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था कि एटीएम नेटवर्क कौन देखता है, तो हर एक ऑप्शन के सामने हमें लिखना था कि उसका बेसिक फंक्शन क्या है। जैसे एनपीसीआई का रिटेल पेमेंट्स है, आरबीआई का माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और अगर एनपीसीआई के सामने हम लिखेंगे कि रिटेल पेमेंट्स तो शायद हमसे आंसर बन सकता था, तो आंसर डिराइव करने में और हेल्प होगा। तो सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि एनपीसीआई का बेसिक कोर फंक्शन है रिटेल पेमेंट्स। तो बेसिकली एनपीसीआई ये बाजार का सैफ अली खान है, जहां पैसा वहां मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 30 मीटर टेलीस्कोप, TMT। तो नाम से ही समझ में आता है कि ये जो डायमीटर है वो 30 मीटर का होगा। इट इज द लार्जेस्ट प्रपोज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, प्रपोजल स्टेज में है, अभी तक बना नहीं है, और इसको एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, दैट इज ELT भी कहते हैं। और ये कौन से रेंज में ऑब्जर्व करेगा, दैट इज नियर अल्ट्रावायलेट टू मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस। अगर क्लोजली देखा जाए तो ये बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम ही है, और इसमें 70% इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बेसिकली इन काइंड, कैश नहीं, ठीक है, गरीब है हम। और ये कहाँ पे लोकेट होगा, मौना किया माउंटेन इन हवाई, तो हम उसका लोकेशन भी देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन है, और हवाई इज अ पार्ट ऑफ US। नेक्स्ट, दीपोत्सव मेला, नाम से ही समझ में आ रहा है, दीपक मीन्स दिया, दिया मीन्स दिवाली, तो 5.5 लाख लैम्प्स लगाने वाले हैं, ऐसे बहुत ब्यूटीफुल सीनरी होगा। और ये कौन कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट, कहाँ पे, अयोध्या में, और इसको रिसेंटली स्टेटस ऑफ स्टेट फेयर दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कर्नल छेवांग रिंचेन सेतु, सेतु का मतलब हमें पता है, मतलब एक ब्रिज होगा। इट इज द इंडियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना इट्स एल्टीट्यूड मतलब ऊंचा, ठीक है, लैटीट्यूड नहीं। इसको एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज भी कहा जाता है, और ये किसने बनाया है, ब्रो ने, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो कर्नल थे उनको लायन ऑफ लद्दाख भी कहते हैं, और सिंस ये लद्दाख के लायन है तो लद्दाख में ही ये ब्रिज है। और ये ब्रिज किसके ऊपर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, शोक रिवर, एंड इट इज बिटवीन काराकोरम एंड छांग छेनमो रेंजेस, दैट इज काराकोरम एंड ले रेंजेस। नेक्स्ट, शोक रिवर, पिछले स्लाइड में देखा था कि इसके ऊपर ब्रिज बना है, अब इसके बारे में और जानते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, रिमो ग्लेशियर, दैट इज काराकोरम रेंज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका ओरिजिन होता है, ये काराकोरम रेंज के अंदर आता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ डेथ, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा ये रिवर आता है, ऐसा ऐसे जाता है, यहाँ पे यू टर्न लेता है और आगे जाके यहाँ पे इंडस से मिल जाता है। ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है क्योंकि ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों में फ्लो होता है। और इसके ट्रिब्यूटरीज को हम एक सिर्फ ग्लास दे देंगे, चैंग चेन मो, ग्यालवान, नुब्रा, साल्तरो, ठीक है। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है सियाचिन ग्लेशियर। रिसेंटली इसको टूरिज्म के लिए अलाउ किया गया है, और ये कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में, सेम एज शोक रिवर। सियाचिन का मतलब क्या है, सिया मीन्स रोज एंड चुन मीन्स फाउंड इन अबंडेंस, बेसिकली इट इज अ प्लेस ऑफ रोजेस। सियाचिन ग्लेशियर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, याद रखना, एंड इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड, ठीक है, सिंस ये बैटलफील्ड हाईएस्ट है तो वहाँ पे जो कुछ भी होगा वो भी हाईएस्ट बन जाएगा। जैसे ये हेलीपैड है वो भी हाईएस्ट हेलीपैड बन जाएगा, फोन बूथ है वो भी हाईएस्ट फोन बूथ बन जाएगा। ये हेलीपैड जहाँ पे उसको पॉइंट सोनम भी कहते हैं, जैसे याद ना सोनम कपूर वहाँ पे उतरी होगी। तो इसका जो पीस एग्रीमेंट है शिमला एग्रीमेंट वो फेल हो गया था 1972 में, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया 1984, उसके बाद से ये हमारे कंट्रोल में है। और अभी उधर एक पीस पार्क, दैट इज ए डीमिलिटराइज एरिया बनाने की बात चल रही है। नेक्स्ट, मराव आइलैंड, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पर्शियन गल्फ में है,
और ये यूएई का पार्ट है। यहाँ पे क्या मिला है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्क, कहाँ पे, न्यूलिथिक साइट अल कैवान। ठीक है, यहाँ पे बच के रहना, न्यूलिथिक साइट है। यूपीएससी क्या करेगा, पेलियोलिथिक मेसोलिथिक ऐसा लिख देगा, सिंस ये यूएई का पार्ट है, उसको अबू धाबी पर्ल भी कहते हैं और एक्सपर्ट्स बोलते हैं इट वॉज यूज 8000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट, डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति, तो ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीसीआरटी से रिलेटेड है। तो ये क्या है, इट इज एन ई पोर्टल ऑफ सीसीआरटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, गाली नहीं। और अभी सीसीआरटी यूट्यूब पे भी आएगा। सीसीआरटी किसने बनाया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड डॉक्टर कपिला वत्सायन। इट हैज ऑल्सो रिलीज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कॉल्ड राहस, इट इज बेस्ड ऑन रासलीला इन छत्तीसगढ़। नॉर्मली यूपीएससी एस्पिरेंट अपने दोस्त को पूछता है कि कल्चर के लिए क्या पढ़ू, सिंगारा या सीसीआरटी, तो ऐसे चतुर जैसे लोग उसको क्या कहते हैं, ऑब्वियस सीसीआरटी। नेक्स्ट, वैन एलन प्रोब्स मिशन, तो ये किसका मिशन था, नासा का। हाल ही में इसको डीकमीशन किया जा रहा है। दिस मिशन हैड टू सैटेलाइट्स फॉर टू बेल्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इनर बेल्ट एक आउटर बेल्ट। और ये वैन एलन बेल्ट एग्जैक्टली है क्या, बेसिकली दीज बेल्ट कंटेन हाईली चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स एंड इट इज इन दी अर्थ मैग्नेटोस्फियर, तो दीज आर दी जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स। तो ये कैसे बनता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो सोलर विंड है, ये दोनों इंटरेक्ट होके ये दो बेल्ट बनते हैं। तो ये क्या करता है, इट डिफ्लेक्ट्स द एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो अदरवाइज हमारे एटमोसफियर को हार्म करते थे, तो हेंस इट प्रोटेक्ट्स एटमोसफियर, लेकिन दीज आर डेंजरस फॉर आर सैटेलाइट्स। और ये जो प्रोब है वो क्या करेगा, इट विल स्टडी हाउ दीज रेडिएशन रिंग्स अक्वायर एंड लूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स कैसे आते कैसे जाते हैं वो ये स्टडी करेगा। नेक्स्ट, एनवायरमेंट फ्लो असेसमेंट, तो ये कौन कर रहा है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, और ये पहली बार हो रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। IUCN ने इसका डेफिनेशन क्या दिया है, इट इज द वाटर प्रोवाइडेड विद इन द रिवर वेटलैंड और कोस्टल जोन टू मेंटेन इकोसिस्टम्स एंड देयर बेनिफिट्स। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि किसको कितना पानी चाहिए वे बोलो, और वो पानी किसके लिए चाहिए, टू मेंटेन इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बेसिकली दिस इज अ टूल फॉर अलोकेटिंग वाटर, दैट इज किसको कितना चाहिए। प्लीज दोस्तों यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दैट इज EIA से कंफ्यूज मत होना। EIA बेसिकली बताता है कि कोई भी प्रोजेक्ट का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरमेंट पे, ये डिफरेंट है, ये कहता है कि कितना पानी चाहिए फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की लक्ष्मी, दिस इज अ PM इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का नहीं, तो प्लीज बच के रहना। और किसे चुना गया है, दीज टू ब्यूटिफुल लेडीज। और ये क्या करेगा, इट विल फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट प्लस एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। दिवाली के अवसर पे लक्ष्मी पूजा से इंस्पिरेशन लेके ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, स्टार्टअप हब पोर्टल, तो ये कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज MeitY। तो ये क्या करेगा, इट विल कनेक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम विद द MeitY स्टार्टअप समिट। तो बेसिकली ये जो समिट है उसमें सब स्टार्टअप्स को बुलाएंगे। और ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, STPI दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। इसका मोटो क्या है, RPT दैट इज रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और इसी रिलेटेड एक और टर्म है दैट इज TIDE दैट इज टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो नाम से समझ में आता है इट इज रिलेटेड टू ICT मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो स्टार्टअप इंडिया एज अ स्कीम इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड उसके अंदर DPIIT देखता है, और स्टार्टअप हब पोर्टल कौन कर रहा है, MeitY। ठीक है, तो प्लीज बच के रहना, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे MCI को बुरा लग गया है और वो पछताओगे वाला गाना गा रहा है। नेक्स्ट, KVIC दैट इज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो रिसेंटली KVIC एंड गोवा ने एक एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है गोवा में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। लॉल, ये बेसिकली गोवा जाने का निंजा टेक्निक है। KVIC यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे वेट कर रहा था गोवा जाने के लिए, एंड इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंस ये पहली बार जा रहा है। KVIC के बारे में हम और जानते हैं, इट इज अ स्टैचुटरी बॉडी अंडर द एक्ट 1956 और इट प्रमोट्स सोशल एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा बॉडी है और बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो गोवा जाना तो बनता है यार। नेक्स्ट, NCRB स्टैट्स दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसने ये स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट बनाया है दैट इज क्राइम इन इंडिया 2017। इसमें नया क्या है, फर्स्ट इज साइबर क्राइम्स, सेकेंड इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट।
तो साइबर क्राइम में फर्स्ट कौन है? बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई। देन क्राइम रजिस्ट्रेशन एंड रेट, ये इंक्रीज हुआ है और हाईएस्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। और भी जो क्राइम्स है वो भी इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ एसटी रिलेटेड जो क्राइम है वो डिप हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, कि क्राइम्स बढ़ते जा रहा है, सिर्फ एसटी रिलेटेड क्राइम डिप हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन है, प्लीज ये रिपोर्ट्स के जो नंबर्स है उसको रटने मत बैठना, बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। हमें सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू जानना चाहिए। और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, वो बोलते हैं कि इसमें मॉब लिंचिंग, फार्मर सुसाइड्स का डेटा नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक झूठ है। नेक्स्ट, चाइना कमर्शियल कैरियर रॉकेट्स। रिसेंटली चाइना ने कमर्शियल कैरियर रॉकेट्स लॉन्च किया है। जो सॉलिड फ्यूल वाला है उसका नाम है स्मार्ट ड्रैगन, और जो लिक्विड वाला है उसका नाम है टेंगलोंग। याद रखने के लिए एस फॉर एस। तो बेसिकली दिस इज एन एंट्री इनटू कमर्शियल सेक्टर फॉर चाइना इन द स्पेस इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली चाइना इंडिया का देखा देखी कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाइट बेल बर्ड। रिसेंटली एक जर्नल दैट इज करंट बायोलॉजी ने बोला है कि जो मेटिंग कॉल है ऑफ मेल्स, इट इज अबाउट 3 टाइम्स लाउडर देन स्क्रीमिंग फियास। प्रीवियसली ये सबसे लाउडेस्ट बर्ड थे। तो ये कैसे हुआ? तो ये जर्नल बोलता है कि इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब समझो, ये मेल को एक फीमेल पसंद आई तो उसको पटाने के लिए ये ऐसे पटेली दिखाएगा। तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ स्वयंवर, एंड दिस बर्ड इज फाउंड इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, LC। नेक्स्ट, तोड़ना है फोड़ना है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।